जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्यारे भक्तों, भगवान हमारे लिए रोते हैं क्या? जैसे हम भगवान के लिए रोते हैं तो क्या भगवान भी रोते हैं? अब आप कहेंगे, भाई भगवान क्यों रोएंगे, वो तो सर्वशक्तिशाली हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो भक्त भगवान के लिए रोता है ना, तो भगवान भी निस्संदेह अपने भक्त के लिए रोते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय भगवान अपनी सारी शक्तियों को भूल जाते हैं और वो हम जैसे ही साधारण हो जाते हैं और वो हमारे साथ हमारे दुख में रोते हैं। देखो प्यारे भक्तों, भगवान कहते हैं, मुझे जो जिस प्रकार भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूँ। सीता माता को जब रावण हर के ले गया था तो वहाँ सीता माता भगवान राम की विरह में व्याकुल थी, तो इधर भगवान राम भी वैसे ही रो रहे थे जैसे सीता माता रो रही। तो सीता माता ने जैसे भगवान को भजा वैसे ही भगवान ने भी उसको भजा, यानी वो रोई तो भगवान भी रोए उसके लिए। तो आप जिस प्रकार भी भगवान को भजेंगे, भगवान निसंदेह आपको उसी प्रकार भजता है। ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। आप निसंदेह भगवान के को भजो और भगवान आपके लिए भी रोएंगे। आप रोने वाले बनो, क्योंकि आप भगवान के लिए जितना हृदय से रोओगे ना, तो भगवान फिर आपकी तुरंत सुनेंगे। भगवान के लिए रोना आना चाहिए, भगवान के प्रेम में रोना आना चाहिए। कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि माता जी, जप करते करते हमें रोना आता है। तो इससे तो कोई बढ़िया बात ही नहीं है। जप करते करते आप उसके प्रेम में पागल हो, उसके प्रेम में आपके आंसू आ रहे हैं, तो ये तो बहुत ही शुभ संकेत है प्रेमी भक्तजनों। तो प्यारे भक्तों, आप भगवान से प्रेम करें और उसके प्रेम में, उसकी विरह में रोएं आप। भरत जी 14 साल तक विरह में तड़पे रोए। तो जितनी ज़्यादा ये विरह की वेदना होती है ना, लोग कहते हैं ना कि भगवान मिलने में देरी करते हैं, भगवान हमें दर्शन नहीं देते। तो प्यारे भक्तों, देखो धूप कितनी कड़ी होती है, जब उस धूप के बाद आप छाया में जाते हो तो कितना आनंद आता है, आता है ना। दुख के बाद सुख का आनंद आता है। ऐसे ही जब विरह की वेदना जितनी लंबी होगी और फिर भगवान मिलेंगे, तो उस क्षण का कुछ आनंद ही अलग होगा। और जितनी ज़्यादा लंबी विरह के बाद भगवान जब मिल जाते हैं ना, तो फिर वो कभी छोड़ कर नहीं जाते। भरत को 14 साल लगे भगवान की विरह में तड़पे भरत, और 14 साल में भगवान जी आए, तो फिर भगवान कभी छोड़ के उसे गए नहीं। तो प्रेमी भक्तजनों, आप व्याकुल ना हो और हार ना माने, क्योंकि हार ये ना हिम्मत और बिसार ये ना राम। कभी भी हार ना माने। बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं, हम थक चुके हैं, भगवान सुनते नहीं हैं, ये नहीं करते वो नहीं करते। प्यारे भक्तों, भगवान को दोष मत दो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलना कोए, और जो दिल खोजा आप न और मुझसे बुरा ना कोए। गलती हमारे अंदर मिलेगी, आप खोजोगे आपको स्वयं पता चलेगा आप कितना विश्वास करते हैं भगवान पे, कितने उसके लिए रोते हैं, कितना तड़पते हैं, कितना श्रद्धा है उसके नाम पर, कितना भाव है और कितनी निरंतरता है। प्यारे भक्तों, जिस दिन ये सब इकट्ठी हो जाएंगी, तो उस दिन एक पल की भी देर नहीं लगेगी। प्यारे भक्तों, आप भगवान के लिए रोओगे वो भी निस्संदेह रोएंगे और आपको सब कुछ मिलेगा। प्यारे भक्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों।